वन प्रक्षेत्र कार्यालय परिसर में शनिवार को एक सादे समारोह का आयोजन कर बीते 16 अक्टूबर 2021 को जंगली हाथी के हमले में काल के गाल में समाये खुद्दीसार पंचायत के ठंडा बहार निवासी अरुण सिंह के उत्तराधिकारी उपेंद्र सिंह को बतौर मुआवजा राशि 4 लाख रुपए का चेक दिया गया। इस दौरान क्षेत्र के जीप सदस्य प्रदीप मंडल, उप प्रमुख उपेंद्र महतो, पूर्व जीप अध्यक्ष राकेश महतो, मुखिया किरण कुमारी, पूर्व प्रमुख यशोदा देवी, प्रमुख प्रतिनिधि गुलाब चंद यादव, मंत्री प्रतिनिधि राजकुमार पांडे आदि उपस्थित हुए। इस संबंध में सहायक वन रक्षक सह प्रभारी रेंजर राजीव रंजन कुमार ने बताया कि हाथी के हमले में अरुण कुमार सिंह की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूर्ण करके सरकार द्वारा निर्धारित 4 लाख रुपए का मुआवजा मृतक के उत्तराधिकारी को स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में दिया गया। पंचायत के अंतर्गत ठंडा बहार के अरुण सिंह 45 ईयर्स ओल्ड थे, जिन्हें हाथी के द्वारा कुचल दिया गया था। जो घायल हुए थे उन्हें सदर अस्पताल गिरिडीह पहुंचाया गया था, जिनका मृत्यु इलाज के दौरान वहाँ मृत्यु हो गई, जिन्हें आज मुआवजा के तहत 4 लाख रुपया दिलाया गया जो है हाथ दिया गया है। आज वन विभाग के द्वारा 28/10/2021 को खुद्दीसार पंचायत के ठंडा बहार में एक अरुण सिंह व्यक्ति का डेथ हो गई थी हाथी के द्वारा। उसी को मुआवजा के तहत आज 4 लाख की राशि का चेक उनके भाई उपेंद्र सिंह को सौंपा गया और उसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि, वहाँ की मुख्य किरण कुमारी, रेंजर साहब, सारे लोग उपस्थित थे। किस चीज़ को लेकर दिया गया? हाँ, ये 21 अक्टूबर 2021 में ठंडा बहार में एक अरुण सिंह व्यक्ति थे, लगभग 45 साल उम्र हुआ करता था और वो थोड़ा विकलांग भी थे और घर से शौच के लिए निकले हुए थे। उसी क्रम में हाथी सरिया के तरफ से आया और उनको अपनी चपेट में ले लिया था, चपेट में लेके पूरी तरह से घायल कर दिया था। हम लोग मिल के इनको सदर हॉस्पिटल गिरिडीह ले गए थे, वहाँ पे कुछ इलाज भी किया गया लेकिन हम लोग उनको बचा नहीं पाए, उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्हीं का मुआवजा उनके भाई उपेंद्र सिंह हैं, उनको दिया गया। किनके द्वारा सर दिया गया? ये हमारे अध्यक्ष हो गए, आज जो हम लोग मुआवजा वितरण कर रहे हैं उसमें प्रावधान ये है कि विधायक के माध्यम से करना है, अगर विधायक अनुपस्थित है तो जिला परिषद सदस्य के माध्यम से करना है। तो हम लोग के बीच में प्रदीप कुमार जी हैं जिला परिषद सदस्य, इनके हाथ से ही हम लोग आज मुआवजा ड्राफ्ट जो है वो वितरण किया।